गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी कंपनी लोगो। जैसे कि आपको बता रही है कंपनी अधिनियम अपन कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी का वास्तविक अधिनियम। इससे पहले की वीडियो में हमने तो आप इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का दे दिया था। आज हम इसकी विषय सामग्री पढ़ेंगे कि किन किन शब्दों को मिलाकर हमारी कंपनी बनती है, उसका सीमा पार्षद नियम बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी का सीमा पार्षद नियम क्या होता है। जो कंपनी हम ओपनिंग करते हैं, जिस कंपनी की हम ओपनिंग करते हैं है ना, उस कंपनी की ओपनिंग से पहले सबसे पहले जो पहली सीढ़ी होती है वो हम सीमा पार्षद नियम बनाते हैं। पार्षद सीमा नियम क्या होता है कि कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का क्या स्थान है, किस जगह पर कंपनी स्थापित होगी, किस जगह पर कंपनी खोलना है, इसमें कितने लोग पार्टनर हैं, कौन कौन साझेदार होना चाहता है, तो सभी प्रकार की जो जानकारी है वो हम अपनी सीमा पार्षद नियम में लिख देते हैं। क्या होता है कि कंपनी का सीमा पार्षद नियम कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा पंजीकृत कराने के लिए जो कंपनी है हमारी उसमें जो सार्वजनिक कंपनी, दो प्रकार की कंपनी होती है, कौन कौन सी होती है, एक हमारी निजी फर्स्ट होती है हमारी निजी कंपनी, दूसरी होती है हमारी सार्वजनिक कंपनी। तो जब हम सीमा पार्षद नियम तैयार करते हैं तो जो हमारी निजी कंपनी होती है, निजी कंपनी की दशा में कम से कम दो लोग, क्योंकि एक भी एक व्यक्ति कभी भी किसी प्रकार की कंपनी नहीं बन सकता। जैसे सपोज करते हैं कि एक आपको एक कंपनी खोलनी है ना, तो आप क्या अकेले कंपनी खोल लोगे? कंपनी का जो संचालक है, काम है, जो भी है, सब आप अकेले कर लोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो निजी कंपनी की दशा में कम से कम दो सदस्यों की संख्या होनी चाहिए सीमा पार्षद नियम बनाने के लिए। तो निजी कंपनी की दशा में कम से कम दो व्यक्ति और सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम सात व्यक्ति। अगर हमारी निजी कंपनी हम खोलना चाहते हैं और उसका सीमा पार्षद नियम बनाते हैं तो उसके सदस्यों की संख्या दो से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर हम सार्वजनिक कंपनी तैयार करते हैं तो उसकी सदस्य की संख्या सात से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं सीमा पार्षद नियम की विषय सामग्री, किन किन वाक्यों को मिलाकर जो है हमारा सीमा पार्षद नियम तैयार होता है। फर्स्ट है हमारा नाम वाक्य, नेम क्लॉज, धारा 4 के अनुसार। नाम वाक्य क्या होता है कि कंपनी का नाम क्या है ना। अगर प्राइवेट कंपनी होगा तो उसमें लिमिटेड लग जाए, प्राइवेट कंपनी होगा तो उसमें प्राइवेट लग जाएगा, पब्लिक कंपनी होगी तो लिमिटेड लग जाएगा। तो कंपनी का नाम क्या है, क्या नाम से कंपनी हमारी चलने वाली है, क्या हमारी निजी कंपनी है या सार्वजनिक कंपनी है, तो या फिर हम जो कंपनी खोल रहे हैं पहले से कहीं और स्थापित तो नहीं है कंपनी उसी नाम की, उसी दायित्व वाली। तो नाम भाग में सबसे पहले कंपनी का नाम आता है कि किस नाम से हमारी कंपनी खोली जाएगी, क्या हमारी कंपनी गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट है ना। तो इन सब चीज़ों का जो है वो अपना नाम भाग में दिया जाता है। दूसरा है हमारा रजिस्टर्ड कंपनी, या इसको स्थान वाक्य भी कहते हैं। यह एक कंपनी की दूसरी विषय सामग्री है। जो हमारा स्थान वाक्य होता है वो कंपनी के निवास प्रमाण पत्र से होता है। जैसे हम किसी भी चीज़ की कंपनी खोलते हैं, हमने एक पेन की कंपनी डाल दी, तो इसका निवास प्रमाण पत्र कहाँ है ना। निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है, कंपनी कार्य कहीं भी करे, जैसे हमारे पेन है तो पेन तो कहीं भी सेल हो, कहीं भी सेल करें हम, कहीं भी है ना, लेकिन वो कार्य कहाँ कर रही है अपना, उसका कार्यालय कहाँ है ना। वो कार्य कहीं भी कर सकती है लेकिन जहाँ उसका कार्यालय होता है वह उसका स्थान माना जाता है, वहीं का उसका निवास प्रमाण पत्र होता है और वहीं का उसका कार्यालय माना जाता है। तो नाम स्थान वाक्य में या रजिस्टर्ड कंपनी में जहाँ जहाँ कंपनी को रजिस्टर अपन करवाते हैं तो वो अपने स्थान वाक्य में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य मतलब इसमें कंपनी का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य से हमारी कंपनी खोली जा रही है, कितना हम लगा रहे हैं, कितना हम लगाने की मतलब चाह रख रहे हैं, और कितना हम लगा सकते हैं और कितना हमारा वापस आएगा। तो उद्देश्य भाग में इन सभी ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, ब्यौरा करते हैं। उद्देश्य भाग में हमारी जो कंपनी होती है वो दो प्रकार से होती है, एक हमारा अंश द्वारा सीमित, दूसरा हमारा गारंटी द्वारा सीमित। अंश द्वारा सीमित क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति ने जो हमारे अंश लेना चाहता है, कोई भी व्यक्ति हमारे अंश ले रहा है और उसने हमारे अंश ले लिए, तो उसने
रकम है वो पूरी चुका दी, अंशों की रकम पूरी चुका दी। तो ऐसे जो आते हैं वो अंश द्वारा सीमित में आते हैं कि जितनी उनने जितने के अंश दिए थे उतने के अंश हमारे चुका दिए। दूसरा है हमारा गारंटी द्वारा सीमित। गारंटी द्वारा सीमित मतलब कि उसने हमारे अंश खरीद लिए, अंश खरीदने के बाद वो व्यक्ति बोल रहा है कि हम आपके जो मतलब अंश की जो रकम है या प्राइस है वो हम 6 महीने बाद चुका देंगे, या 1 साल बाद चुका देंगे, या इतने दिन बाद चुका देंगे। तो ये होगी हमारी गारंटी द्वारा सीमित। एंड फोर्थ है हमारा दायित्व। दायित्व मतलब लायबिलिटीज क्लॉज। लायबिलिटीज में सारे दायित्वों को अपन देखते हैं, कितने साझेदार हैं, साझेदार का दायित्व क्या है, हमारा दायित्व क्या है, तो हम अपने दायित्व लायबिलिटीज का इसमें वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? कैपिटल क्लास। कैपिटल मतलब कितनी पूंजी हम अपनी कंपनी में लगा रहे हैं, है ना, और कितनी लगाने के बाद हम मतलब आने की इच्छा रखते हैं। तो पूंजी भाग में जो कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी पॉइंट्स आते हैं अपन इसमें पूंजी भाग में शामिल करते हैं। ये क्या थी हमारी सीमा पास नियम की विषय सामग्री थी। एक बार और अपन रिवाइज करेंगे। नाम भाग, नाम भाग में नाम, क्या कंपनी का नाम है, कहाँ कंपनी, क्या नाम है, कौन कौन लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो उसमें नाम भाग में आ जाएगी। दूसरा हमारा रजिस्टर्ड कंपनी है। स्थान भाग मतलब कंपनी अपना कार्य कहीं भी करे तो उसका कार्यालय कहाँ स्थित है, वो आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा उद्देश्य भाग। उद्देश्य भाग में हमारा आता है क्या कंपनी का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है हमारी कंपनी होने गई है, एक अंश द्वारा सीमित होता है, एक गारंटी द्वारा सीमित होता है। नेक्स्ट हमारा दायित्व भाग। दायित्व भाग में सारी लायबिलिटीज आ जाती है। और नेक्स्ट है इसमें पूंजी भाग। पूंजी भाग में जितनी भी हमारी कैपिटल होती है, जितनी हम अपनी कंपनी में लगाना चाहते हैं, वो सारी कैपिटल हमारी इसमें आ जाती है। और डे बाई डे हम आपको टॉपिक्स बाई टॉपिक्स यहाँ करा रहे हैं, तो साथ में आप लोग अपने नोट्स भी तैयार करते जाइए, जिससे आपको एग्जाम टाइम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब इससे पहले आप नोट करें।